रंगर कुमार खुलवापुर थाना थान गाँव तलाक रोजगार जिला सीतापुर खुलवापुर ग्राम भवन में रहता हूँ। मेरा बच्चा जूनियर में पढ़ता था, उसको टीसी 15/4/17 में काट के दिया। उस पर ना दस्तखत है ना मोहर है। मुझे जब हमने टीसी को देखा तो मेरी जरूरत पर आधार कार्ड संशोधन करवाना था, वहाँ पर लगाया तो उसमें दस्तखत मोहर नहीं थे तो आधार कार्ड नहीं बन पाया। स्कूल गए, स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर कोई मुझे नहीं मिला जो दस्तखत मोहर करे। सुप्रिया नाम की टीचर लखनऊ से आती हैं जो स्कूल नहीं पहुँच पाई है, और काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, लगभग 6 महीने हो गए हैं। उस पर दस्तखत मोहर नहीं हो रहे हैं, मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं स्कूल के, वहाँ कोई नहीं मिलता। बताओ। सुप्रिया हेड मास्टर हैं, जब हम दोबारा टीसी लेकर के पहुँचे हमने कहा इसमें दस्तखत मोहर कर दो, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं हो पाएगा और ऐसे ही मिलेगी। और जब हमने कहा कि तुम अधिकारियों से रहेंगे तो जैसे बोले कि हम पैसे देते हैं अधिकारियों को, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना हो जाके करो, जहाँ किसी को नहीं डरते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? सुरेंद्र नाम है, खनवापुर रहते हैं। थाना कौन लगता है? थाना थान गाँव जिला सीतापुर ब्लॉक रेवसा तहसील बिस्वा। आप कोई अधिकारियों को, अपने विभागीय अधिकारियों को शिकायत करोगे? BRC पे शिकायत करेंगे, SDM को करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से कितना ये शिक्षा जो जूनियर हाई स्कूल एक थाना थान गांव के क्षेत्र ग्राम हरि खनुआपुर में पड़ता है, जहां पे एक हेड मास्टर की दबंगई और उसकी जो है इतनी हावी है लोगों के ऊपर कि और अधिकारियों तक उसकी जो है पहुंच रखती है, इस वजह से अधिकारी भी अपनी कार्रवाई करने से कतराते हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि बेचारा के आज 6 माह से वो चक्कर काट रहा है। मार्कशीट उसके बच्चे को थमा दी गई बगैर दस्तखत बगैर मुहर के 15/4/2017 में। उसके बाद आज तक वो जो है चक्कर 6-7 माह हो गया करीब, और अभी तक वो चक्कर काटता रहा गाँव में, वो अध्यापिका आती नहीं। एक बार इसका बयान है कि एक बार मेरी मुलाकात भी हुई तो उसका कहना था कि हमारे यहाँ अध्यापक ने बताया, वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनेंगे, इनका बयान है कि उसने कहा कि आप जो भी करना हो वहाँ करिए जाके, अधिकारी मेरे से मोटी रकम लेते हैं उच्च अधिकारियों तक, और अधिकारी जो है हमको हालांकि अधिकारियों के उस हेड अध्यापक के अध्यापिका के खिलाफ सुपरिया के खिलाफ इस व्यक्ति ने जो है शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही है। लेकिन एक बात, जहाँ पर योगी सरकार भाजपा सरकार में इस प्रकार से शिक्षा का स्तर उच्च स्तर तक ले जाने की बात और बच्चों को शिक्षा पढ़ाने और लिखाने की बात कह रही है, वहीं पर अध्यापक आप देख सकते हैं, ये खनुआपुर जूनियर विद्यालय का मामला है सामने आया है प्रकाश में, जो कि आप देख सकते हैं उस सुपरिया हेड अध्यापक की कितनी दबंगई हावी है कि उसको जरा सी भी कार्रवाई का हिचक और डर नहीं है। उसका कहना है कि जो भी करना हो आप जाके करो, और हम ये कुछ नहीं होता है ना हम करेंगे, और 6 माह से अधिकारी हमसे मोटी रकम ली जाती है, मोटी रकम लेते हैं, ऐसे थोड़े हम स्कूल आते हैं। हालांकि कहना तो इनका यहाँ तक है वो स्कूल कभी आती ही नहीं, महीने में एक आध बार आई और दस्तखत और मुहर करके अपन चली गई, उसके बाद जो है कभी जो है इस विद्यालय आती नहीं है। पड़ोस में एक प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पर वो बच्चे बैठ करके उसके बाद जो है भोजन और पानी करके चले जाते हैं, लेकिन वो अध्यापिका कभी आती ही नहीं है। कहना तो इनका यहाँ तक है, आज 6 माह से हो गया है उसके बावजूद ये विद्यालय नहीं आती है, 6 माह से ये चक्कर काट रहे हैं। और जब उनसे बात की गई, जबकि गांव में ही विद्यालय है इनका, सुबह शाम चक्कर लगाते हैं, उसके बाद 6 माह हो गया अभी तक दस्तखत तो मुहर नहीं हो पाया। कारण ये रहा कि ये बच्चे को मार्कशीट थमा दी गई, इन्होंने काम न होने के कारण रख दिया। फिर जब उसका आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए जब बात की गई संशोधन के लिए, तो मार्कशीट ले गए, फिर वहाँ पर उसने आधार कार्ड में इसमें दस्तखत और मुहर न होने के कारण उसने वापस कर दिया, आधार कार्ड में संशोधन नहीं हो सका, ये इनका कहना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि उस अध्यापिका की कितनी दबंगई, और आज जब उस अध्यापिका सुपरिया का फ़ोन नंबर पर संपर्क किया गया तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ गया,
मोबाइल मिला नहीं, और इनसे जब बात की गई तो इन्होंने बताया कि उसका नंबर मिलता नहीं है। लेकिन मैंने भी उसका नंबर ट्राई किया 2-3 बार, लेकिन नंबर नहीं मिला। फिर उनके खंड शिक्षा अधिकारी रेवसा से जब बात की गई, जो रेवसा BRC पर तैनात हैं, तो उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी का बयान रहा कि मैं इस समय मीटिंग में हूँ, बात थोड़ी बाद देर में होगी। क्योंकि जब यहाँ तक उनके आला अधिकारी और कितनी साजिंदा हैं उनके, जब आला अधिकारी इस प्रकार के जो है बात, और उन पर कोई लगाम कसने वाला शिकंजा नहीं है, तो अपनी मनमानी तो करेंगे ही। ये जो है खनुआपुर थाना थान गांव के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है खनुआपुर गांव, और रेवसा विकास खंड क्षेत्र का मामला है, विकास क्षेत्र रेवसा का मामला है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि जो है अभी हम मीटिंग में हैं, थोड़ी देर में बात की हो पाएगी। और जबकि सुपरिया हेडमास्टर का नंबर पे संपर्क किया गया, लेकिन उसका नंबर कई बार संपर्क किया गया लेकिन नंबर उसका स्विच ऑफ गया। आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग कितना मनमानी कर रहा है, और शिक्षा विभाग सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का बात कर रहा है। जहाँ एक तरफ योगी सरकार और शिक्षा स्तर को उच्च स्तर तक बढ़ाने की बात करती है, स्कूल चलो अभियान चलाती है, वहीं स्कूल की ये खनुआपुर की जूनियर मास्टर की आप लोग देख सकते हैं कितनी कार्यशैली, उनकी जो है मानसिकता क्या उनको पलीता लगाने का काम कर रही है। कभी वो स्कूल आती ही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप पल पल खबरों के साथ छोटी बड़ी, मैं प्रेम वाजपेयी पत्रकार रेवसा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।